अपने आप को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला चीन आज भारत के गुड़नों पे आ गिरा है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भारत ने देश के अंदर चीनी कंपनियों की निष्पक्ष जांच की तो वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि हमें उम्मीद है भारत हमारी कंपनियों को निष्पक्ष माहौल देगा। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब कहां चली गई चीन की वो अकड़, वो धमकी जो वो दुनिया को देता था, और क्या चीन ने भी यह मान लिया है कि एशिया में अब सिर्फ और सिर्फ भारत का ही राज चलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजेन ने कहा कि चीन भारत की इस कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए हुए है। हमें उम्मीद है कि भारत चीनी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष, न्याय संगत और बिना भेदभाव वाला कारोबारी माहौल मुहैया कराएगा, साथ ही नियमों और कानूनों के दायरे के अनुसार जांच करेगा और जरूरी कानूनों को लागू करेगा ताकि ग्लोबल निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा सके। हम चीनी कंपनियों को उनके वैध अधिकारों और हितों को बनाए रखने में हम मजबूत समर्थन करते हैं। इस बयान के पीछे की वजह यह है कि चीन की स्वामित्व वाली मोबाइल कंपनी Xiaomi पर हुई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई। सोचिए, अभी तो भारत ने कुछ ही चीनी कंपनियों पर छापे मारे हैं, लेकिन जब भारत देश के अंदर जितनी भी चीनी कंपनियां हैं उन पर छापा मारेगा तो चीन के तो खून के आंसू निकलने वाले हैं। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Xiaomi इंडिया के अधिकारियों द्वारा जोर जबरदस्ती के तहत बयान दर्ज कराने के आरोपों को ईडी ने खारिज कर दिया। ईडी ने कहा, कंपनी इस तरह के आरोप उन पर हुई कार्रवाई के बाद सोच समझ कर लगाए हैं। हम एक निष्ठावान पेशेवर एजेंसी है, पूरी कार्रवाई के दौरान कभी भी कंपनी के अधिकारियों को न तो धमकाया गया और न ही किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई। 29 अप्रैल को ईडी ने Xiaomi के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपए की राशि को भारत के विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जब्त करने का आदेश दिया था। एजेंसी ने कहा, Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन का बयान 4 बार 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल को दर्ज किया गया, जबकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर बी एस राव के बयान 6 बार 25 मार्च, 14 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 26 अप्रैल को दर्ज किए गए। खैर, चीन को यह समझ में आ गया है कि भारत आज उसे टक्कर दे रहा है और उसे यह भी समझ में आ रहा है कि भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई दूसरा देश।